नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। कल ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दौरा किया और गुरुग्राम नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जो विगत कुछ सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था और जिसकी जांच भी हुई थी और उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, उस पर भी संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। और आज नगर निगम के तरफ से चीफ इंजीनियर ठाकुर लाल शर्मा ने गुरुग्राम के सदर थाने में एक लिखित शिकायत दी और शिकायत के बाद निगम के 7 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम में 28/8/2019 से लेकर अब तक कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिसकी जांच भी की गई थी और जांच के बाद उसकी रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं कि क्या क्या इस एफआईआर में दर्ज किया गया है और क्या क्या आरोप है और भ्रष्टाचार किस तरह से किया जा रहा था, ये अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार को खुलेआम कर रहे थे, नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे थे, उनकी वानगी आपके सामने एक एक करके मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला जो इसमें आरोप है वो ये आरोप है कि 2019 से लेकर 28/8/2019 से लेकर 2021 तक कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जिनका टेंडर ही नहीं हुआ था, बिना टेंडर के आधार पर वो विकास कार्य कर दिए गए थे। कई विकास कार्यों में संबंधित कागजातों पर, जिसमें जब भी कोई विकास डेवलपमेंट का वर्क होता है तो उसमें सभी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक के हस्ताक्षर होते हैं, उन कागजातों पे उनसे रिपोर्ट ली जाती है, जबकि कई ऐसे कार्य हुए हैं गुरुग्राम नगर निगम में जिन पे सभी अधिकारियों के साइन तक नहीं है, यानी कुछ अधिकारी अपने साइन के आधार पर मनमाने ढंग से उस विकास कार्य को कर दिए हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, जो आरोप है वो ये है कि किसी भी वार्ड में काम होता है तो उस वार्ड के पार्षद से एक संतुष्टि पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करना होता है, जो पार्षद के लेटर हेड पे होता है, और उस संतुष्टि पत्र के आधार पर ही जो ठेकेदार है विकास कार्य का जो पैसा है वो दिया जाता है। जबकि इसमें यह भी आरोप लगा है कि पार्षदों के फर्जी संतुष्टि पत्र तैयार किए गए थे और उसके आधार पर पैसे की निकासी की गई। तो देखिए किस तरह से ये जो अधिकारी है वो मनमाने ढंग से करप्शन कर रहे थे और पार्षद जो इलेक्ट होकर आते हैं, जो चुनकर पार्षद आते हैं, उनके संतुष्टि पत्र को भी फर्जी तरीके से बनाकर और उनको पेश किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि इस संबंध में एक जांच बैठी थी, कई पार्षदों ने विरोध दर्ज कराया था और जब जांच बैठी, इसकी इंक्वायरी हुई, तो इंक्वायरी में अधिकारियों ने माफी मांगी थी। हालांकि उस वक्त भी मामला दर्ज करने की बात की गई थी कि ऐसे अधिकारी जो फर्जी तरीके से जो 420 करते हैं और ऐसे फर्जीवाड़ा जिन्होंने किए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हो, तो उस वक्त रसूख का भय दिखाकर, रसूख दिखाकर ये अधिकारी पूरे मामले को लीपापोती कर गए थे और मामला दर्ज नहीं हो पाया था उस जांच रिपोर्ट आने के बाद भी। इतना ही नहीं, जो चौथा आरोप है उसमें यह भी आरोप है कि कई वार्डों के पैसे, कई वार्डों में विकास कार्य के पैसे विड्रॉ कर लिए गए, यानी निकाल लिए गए, विकास कार्य करा दिया गया, जबकि धरातल पर वो विकास कार्य हुआ ही नहीं था। यानी कई ऐसे कार्य किए जा चुके जो कागजों में ही हुए, धरातल पर उस कार्य को नहीं किया गया। और पांचवा जो आरोप है वो ये आरोप है कि सीवर से संबंधित कोई भी अगर फाइल निगम में आती है, निगम कोई भी सीवर से संबंधित फाइल पास करता है, तो उस फाइल पे निगम कमिश्नर का सिग्नेचर बहुत आवश्यक होता है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप है वो ये आरोप है कि जब भी सीवर से संबंधित कोई फाइल पास होती है तो उसमें निगम कमिश्नर की पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप है वो ये आरोप है कि जब भी कोई सीवर से संबंधित फाइल पास होती है तो उसमें निगम कमिश्नर के पास वो फाइल जाना आवश्यक होता है और निगम कमिश्नर से ही ये पास होता है। जबकि कई ऐसे सीवर के मामले हुए हैं, सीवर के कार्य किए गए हैं, जो फाइल निगम कमिश्नर तक ही नहीं पहुंची, निगम कमिश्नर से नीचे के जो अधिकारी हैं
वही अपने लेवल पर इसे निपटा लिया, यह भी आरोप लगा है जो एफआईआर दर्ज की गई है। जो छठा आरोप है वो ये आरोप है कि केवल पूरे जो विकास कार्य किया गया है निगम में 2019 तक का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, 2019 से 2021 तक का, कि जितने भी विकास कार्य किए गए हैं उसमें 3 से 4 एजेंसियों को ही फायदा पहुंचाया गया है। यानी इंगित करके यह कार्य किया गया है कि किस तरह से कुछ चुनिंदा जो चहेते हैं, जो कहीं ना कहीं के करप्शन के लिस्ट में शामिल हैं, उन्हीं एजेंसियों को हायर किया गया और उन्हीं के तहत ये सारे कार्य करवाए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था इस निगम में, और अधिकारी जो है अपने चहेतों की मदद से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। जो सातवां आरोप है वो ये है कि विकास कार्य की किसी भी फाइल में MB की स्कैन कॉपी नहीं लगाई गई है। यानी देखिए हैरान करने वाली बात है कि 2019 से लेकर, चूंकि मैं बार बार 2019 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 28/8/2019 से लेकर ही जितने कार्य हुए हैं उसी के आधार पर यह कंप्लेन दिया गया है और उनको एनेक्सर लगाया गया है उसमें, तो मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। और आपको बता दूं कि किसी भी विकास कार्य में MB की फाइल स्कैन कॉपी लगानी होती है जो किसी भी फाइल में नहीं लगी है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। और जो निगम के चीफ इंजीनियर ने शिकायत दी है गुरुग्राम के सदर थाने में, उसके आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 120B, 409, IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 511 और 465 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। मैं उनका भी नाम आपके सामने रख रहा हूं। जो मामला दर्ज हुआ है उसमें गोपाल कलावत हैं जो कार्यकारी अभियंता हैं नगर निगम में, पवन सैनी हैं जो कार्यकारी अभियंता हैं, बीकी कुमार हैं जो सहायक अभियंता हैं, कनिष्ठ अभियंता हैं, विनोद कुमार जूनियर इंजीनियर, दिलावर सिंह जो MCG1 ऑफिस में कार्यरत हैं, राजकुमार MCG1 में कार्यरत हैं और पवन बलहारा हैं जो MCG1 ऑफिस में कार्यरत हैं। इन सातों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है, सदर थाने में FIR नंबर 491 दर्ज किया गया है और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपको बता दें कि ये चौंकने वाली और चौंकाने वाली खबर इसलिए नहीं है कि ये कोई पहला वाक्या नहीं है जब गुरुग्राम के नगर निगम पर, नगर निगम के अधिकारियों पर इस तरह से बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जब से नगर निगम अस्तित्व में आया गुरुग्राम में, तभी से भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं और कई लोगों ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुलकर जो खुद ULB मिनिस्टर हैं, जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं, जिन्होंने छापेमारी की, और आप वीडियो में भी आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से वो सरेआम कह रहे हैं कि उनके पास कई ऐसी सबूतें हैं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सरेआम करप्शन हो रहा है इस नगर निगम में, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब उम्मीद बंधी है कि अब FIR तो दर्ज हुआ है, लेकिन अब देखना है कि किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है। साथ ही एक बात और आपको बता दूं कि ये कुछ चंद अधिकारी हैं, अभी अगर सही से जांच हो, पुलिस जांच करे, तो इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे और उनके नाम भी सामने आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार अकेले छोटे लेवल पे नहीं होता, इसमें निश्चित तौर पे बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब तक होता है। सैनी साहब, नगर निगम ने अब अपने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए सुशील जी, ये भ्रष्टाचार का जो मामला अभी ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है, ये छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके बड़ी मछलियों को बचाने वाली कार्रवाई है। इससे पहले भी बड़े बड़े घोटाले जो है नगर निगम में अंजाम दे दिए गए, तब ये सरकार 2018 से शिकायतें जारी है, 2019 बीत गया, 2020 बीत गया, 2021 में आकर के सिर्फ ये छोटी सी कार्रवाई करके कहीं ना कहीं ये सरकार जो है क्षतिपूर्ति कर रही है, अपने डैमेज कंट्रोल करती हुई घूम रही है कि इसके राज में जितने भ्रष्टाचार हुए उनको किस तरीके से पब्लिक की नज़र में थोड़ा ये लगे कि भाई यहाँ इन्होंने कार्रवाई की है, जबकि इस सरकार की संलिप्तता इन अधिकारियों के साथ अधिक देखी जा सकती है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच करेगा कौन? शेर के मुंह में दांत गिनेगा कौन? इन लोगों ने भ्रष्टाचार की अंत
एक अनंत कथा जो है वो लिखनी आरंभ कर दी थी। आज 13 साल में 1300 करोड़ रुपए का जो बजट, 1400 करोड़ रुपए का बजट था, उसको भी चट कर गए ये अधिकारी। और ये अधिकारी लगाए हुए किसके हैं? इन्हीं सरकारों के लगाए हुए हैं, इससे पहले वाली सरकारों के लगाए हुए हैं, जो भ्रष्टाचार निरंतर करते आ रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर अंकुश लगाने वाली कोई सरकार नहीं आई, और इस सरकार ने भी अंकुश लगाने की बात की थी। नीति नियम और कायदों वाली ये सरकार चुनी थी जनता ने बड़े भरोसे से कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लेकिन आज रेनकोट पॉलिटिक्स जो पहले मनमोहन सिंह की बताई जाती थी, आज कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो भी रेनकोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपनी एक ईमानदार छवि के आड़ में जो है ना, भ्रष्टाचारी अधिकारियों के हाथों, दोनों हाथों पैरों से इस सरकार ने, इस सरकार के अधिकारियों ने गुड़गांव में लूट मचा रखी है। कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। इधर जो गुड़गांव की जनता है बेचारी, भोली भाली सीधी जनता है, इसको ये अधिकारी चाहे जैसे मर्जी लूट ले, कोई बोलने वाला नहीं। ये जान करके इन्होंने जो है ना इंतहा कर दिया है। अब गरीब आदमी के हलक में एक अन्न का दाना नहीं है, और ये लोग यहाँ पे बड़े बड़े बंगलों बना लेते हैं कुछ ही महीनों में। कुछ ही महीनों में इनके लाखों करोड़ों रुपए के जो है ना बैंक बैलेंस हो जाते हैं, इनकी कई कई गाड़ियां हो जाती है, कई कई बेनामी संपत्तियां हो जाती है। अगर माननीय अनिल विज साहब, गृह मंत्री जी, यूएलबी मिनिस्टर साहब, आपने अगर कार्रवाई की है और सच्चे दिल से अगर इसको कोई अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इन अधिकारियों की जांच कराएं कि ये अधिकारी कब से कब तक यहाँ पे थे, कब से कब तक है, और इनके पास पहले कितनी पूंजी थी और आज कितनी इनके पास जमा पूंजी है, कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है।